पूज्य महाराज श्री के भजनों एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। 18वें दिन की रात थी, दुर्योधन की जांघ टूट गई। अश्वत्थामा पहुंचा दुर्योधन के पास, कहा मित्र तुमसे हमने कहा था कि मुझे सेनापति बनाओ, पर बनाया नहीं। जितने लोगों को सेनापति बनाए वो तुम्हारे साथ तन से थे, लेकिन मन से उनके साथ थे। विरोधियों को यदि आप अपना कार्यभार दे देंगे तो आपका काम बिगाड़ देंगे। जो व्यक्ति आपसे पहले विरोध करता रहा हो और आज आपसे मिल गया हो तो समय की प्रतीक्षा करेगा वो। याद रखिए, नवन नीच कर अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनी उरग बिलाई। हुआ क्या? का अश्वत्थामा गया दुर्योधन से पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कहा मरे हुए पांचों भाइयों का सिर देखना चाहते, पांचों पांडवों का सिर काट कर लाओ मेरे साथ। अश्वत्थामा ने कहा आज की रात अंतिम है, मुझे सेनापति बना दो। दुर्योधन ने खून से तिलक लगा दिया। अश्वत्थामा चला। इधर भगवान कृष्ण ने कहा देखो आज जगना चाहिए, जब कोई आयोजन हो, कोई उत्सव हो, तो जो आयोजक हो उसको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहा गया है जो यजमान हो, जो ब्राह्मण हो, उन्हें विद्युत छूना, अस्त्र शस्त्र छूना, पशुओं को छूना, नदी में स्नान करना, खतरनाक जगह पर जाना आना, वाहन पर बैठना, गाड़ी से कहीं आना जाना भी वर्जित है। आयोजक को बाजार भी जाना वर्जित है, अपने घर से बाहर निकलना भी वर्जित है। द्रौपदी ने कहा अगर नींद आ गई तो क्या होगा? भगवान ने कहा जो होना होगा होगा। आज हम लोग विजय प्राप्त किए हैं, आज की रात अंतिम रात है। देखिए अंत भला तब सब भला। जब तक अंत भला ना हो जाए तब तक उसको भला नहीं मानना, क्योंकि बहुतों का अंत ही बिगड़ जाता है। अब अश्वत्थामा आया, जिस शिविर में रह करके पांडव युद्ध लड़े थे वहां पांच बच्चों को सुला दिए। 16, 17, 18, 19 और 20 वर्ष के पांच बच्चे सोए थे। दूसरे शिविर में जाकर बैठे, सबको नींद आ गई। अश्वत्थामा आया, विचार नहीं किया। महाभारत में कथा आती है, भगवान शिव दरवाजे पर थे, शिव जी से युद्ध हुआ अश्वत्थामा का, और शिव जी को फिर तप करके प्रसन्न किया, शिव जी से तलवार लिया, और इसके बाद पांच बच्चों का सिर काट करके और शिविर में आग लगा दिया। यह महाभारत में कथा है, पर भागवत में कथा नहीं। पांच बच्चों का सिर काटा, पांच राजकुमारों का चला गया, दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन ने कहा भैया जिनको मारने के लिए हमने इतना प्रयास किया उनका सिर आप घास मूली की तरह काट दिए, अरे कौन सी बड़ी बात है, सोए थे मार दिए। जब भीम का सिर लेकर के देखा, सोचने लगा इसने मेरे 99 भाई को मारा है। भीम का जो लड़का था उसका स्वरूप भीम ही जैसा था। पकड़ के दबाया तो पिलपिला गया, फूट गया, और जब फूट गया छत बिछत हो गया। दुर्योधन रोने लगा, चिल्लाने लगा, छाती पीटने लगा, अरे जिनको मारना था वो तो बच गए, जिनको नहीं मारना था तुम उनको मार कर ले आए, अरे हमारे ये तो भतीजे थे, भले दुश्मन थे लेकिन थे तो चाचा के ही लड़के, नाती पोते। हमारे वंश में कोई पिंडदान करने वाला, कोई जलदान करने वाला भी नहीं बचा, हमारी तो अब अधोगति हो जाएगी। ऐसा कहते हुए दुर्योधन मर गया। दुर्योधन को शाप था कि तुम्हारी मृत्यु होगी हर्ष और विषाद में। इधर पांच पुत्रों का सिर जब नहीं देखा माता द्रौपदी ने, केवल धड़ पड़ा था, रोने लगी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरम्।
परितप्यमान। अरे मेरे पुत्रों का सिर कौन काट लिया? छाती पीटने लगी। अर्जुन ने आकर कहा ताम सांत्वयन्ना किरीटमाली। आकर के अर्जुन ने कहा देवी चिंता न करो, तुम्हारे पांच पुत्रों का हत्यारा संसार में कहीं होगा उसका सिर काट कर लाऊंगा और 13वें दिन तुम उसी पर स्नान करना, क्योंकि अर्जुन पर द्रौपदी को ज्यादा भरोसा था। द्रौपदी को सांत्वना दिया, भगवान से पूछा ऐसा पाप कौन कर सकता है? दुनिया में बहुत सारे पाप हैं लेकिन कुछ बहुत बड़े बड़े पाप हैं। कौन कौन से पाप? जे अघमात पिता सुत मारे, 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 सुरपुर जारे काई गो सुरपुर जारे। माता को मारना, पिता को मारना, संतान को मारना, गर्भ को मारना, सोए हुए को मारना, पागल को मारना, स्त्री को मारना, ये सब महापाप के अंतर्गत। ऐसा पाप करने वाला कौन है? भगवान ने कहा ऐसा पाप करने वाला तो द्रोणी है, अश्वत्थामा। कैसे संसार में कहीं होगा उसको पकड़ कर लाऊंगा, रथ पर बैठिए। भगवान रथ चलाने लगे, अर्जुन रथारूढ़ हुए गांडी उठाए। अर्जुन को आते देखकर अश्वत्थामा ने अकेले में आचमन करके ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन ब्रह्मास्त्र तो ये सीखा नहीं, गुरुजी ने इसे सिखाया नहीं, ये चोरी से सीख लिया है। बाहर गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र को वह विद्या नहीं दी जो अर्जुन को विद्या दिया था। कितने महान थे गुरु लोग। लगा कि अब अर्जुन जल जाएंगे तो विष ही विष की औषधि होती है। अर्जुन को कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चला, लगा कि अब प्रलय हो जाएगा। भगवान ने कहा अर्जुन ब्रह्मास्त्र को लौटाओ। ब्रह्मास्त्र लौटाया, अश्वत्थामा को पकड़कर बांध लिया, बांध कर रथ के पीछे फेंक दिया जैसे हम लोग डिक्की में कोई सामान फेंक देते। द्रौपदी के सामने लाया गया। द्रौपदी ने देखा कहा अरे आप इनको बांध कर लाए? पांच पुत्रों को मारने वाला हत्यारा द्रौपदी के सामने खड़ा है मुंह लटकाए हुए। निंदनीय कर्म करने से व्यक्ति का सिर झुक जाता है। कति मुच्यताम मुच्यताम मेसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इसको छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्यों? ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है। अर्जुन ने कहा क्या कह रही हो? पांच पुत्रों को मारने वाला हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा अर्जुन आप नहीं समझते, आप अश्वत्थामा को बांध कर नहीं लाए हैं, किसको लाए हैं? कसरहस्यो धनुर्वेद सविशर गोप संयम अस्त्रारामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रह। जिनकी कृपा से आप दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बने, गुरु द्रोण उनके पुत्र को आप बांध कर लाए हैं। आज आप गुरु द्रोण को बांध कर नहीं लाए हैं, आज आप साक्षात आज अश्वत्थामा को नहीं बांध कर लाए हैं, आज आप साक्षात गुरु द्रोण को बांध कर, क्योंकि ये उनके पुत्र हैं और आप नहीं जानते, मैं जानती हूं। पुत्र के मरने का दुख मां पिता को कितना होता है। मेरे तो पांच पांच पति जीवित हैं लेकिन गुरु जी भी मर चुके हैं युद्ध में। माता जी के प्राण का एक सहारा है मात्र अश्वत्थामा।
अगर अश्वत्थामा मर जाएगा तो माता जी कैसे जीवित रहेंगे, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। धन्य है माता द्रौपदी, अपने दुख से दूसरे के दुख को समझनी। द्रौपदी दया की मूर्ति है, द्रौपदी भगवान की बहन है, द्रौपदी करुणा की मूर्ति है। दया की आवश्यकता सबको